दोस्तों, अब वो दौर गया जब लोग सिर्फ कमजोर आंखों के लिए ही चश्मा लगाया करते थे। आज बदलते फैशन के चलते हर कोई सनग्लासेस लगाना पसंद करता है, जिसकी डिमांड भी अब काफी तेजी के साथ बढ़ने लगी है। और क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन सनग्लासेस को कैसे बनाया जाता है? तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं सनग्लासेस की उस फैक्ट्री पर, जहां रोजाना लाखों की तादाद में चश्मे बनाकर तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, सनग्लासेस को बनाने की शुरुआत होती है ग्लास को बनाने से। और आपको बता दें कि इन ग्लासेस को रेत की मदद से बनाया जाता है, जिस रेत का नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसमें कैल्शियम सल्फेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड जैसे कई केमिकल्स को भी मिलाया जाता है। अब इस रेडी मिक्सचर को गुजरना होता है तेज खोलती हुई 12,000 डिग्री सेल्सियस की भट्टियों से, जिससे ये मिक्सचर एक लिक्विड में बदल जाता है। अब इस पिघले हुए कांच को एक डिफाइंड क्वांटिटी में लिया जाता है, जहां ये मशीन इन्हें राउंड शेप में मोल्ड करती जाती है। पर नॉर्मल से बात है कि इस नाजुक से ग्लास को अभी यूज में नहीं लाया जा सकता, इसीलिए इन्हें एक खास तरह के लिक्विड से डुबाया जाता है, जिससे ये ग्लास यूज करने लायक हो जाते हैं। साथ ही इन पर से एक्सेस कार्बन भी हट जाता है, जिससे आपको ग्लास के दूसरी तरफ भी नजर आने लगता है। अब ये ग्लास ट्रांसपेरेंट तो हो गए हैं, अब इन्हें दूसरी शेप देने का काम किया जाएगा। और इसके लिए ऑटोमेटिक मशीन राउंड ग्लास को अच्छे से घिसकर शेप में ला देती है। अब ये ग्लास एकदम रेडी है। पर अगर बात करें कलरफुल ग्लासेस की, तो उनके लिए कुछ और दूसरे केमिकल्स को मिलाकर स्प्रे कोटिंग की जाती है, जिससे आपके चमकदार ग्लासेस भी बनकर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो थी ग्लासेस को बनाने की बात। चलिए अब देखते हैं कि आखिर इनके फ्रेम को कैसे बनाया जाता है। फ्रेम बनाने के लिए सेलुलोज एसीटेट नामक प्लास्टिक का यूज किया जाता है। और सबसे पहले फ्रेम का एक 3D डिजाइन बनाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दूसरी मशीन कंप्यूटर में बने डिजाइन को हूबहू दूसरी जगह प्लास्टिक से बनाकर तैयार कर देती है। फ्रेम बनाने के बाद ये मशीन फ्रेम को कुछ ऐसे कट करके ग्रिप देती है। अब फ्रेम के डंडियों में मेटल वायर को भी डाला जाता है, ताकि फ्रेम मजबूत और फ्लेक्सिबल हो जाए। अब आपके फ्रेम को डम्बलर में डालकर तेजी से घुमाया जाता है, ताकि इनमें एक शाइन आ जाए। अब हाइक की हेल्प से फ्रेम और ग्लास को भी आपस में मजबूती के साथ जोड़ दिया जाता है, और कुछ इस तरह आपके सनग्लासेस बनकर तैयार हो जाते हैं, जिसे पहनने के बाद आप किसी हीरो या हीरोइन से कम नहीं लगते। खैर, वीडियो थोड़ी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और मिलते हैं परसों एक और शानदार वीडियो के साथ।